क्या बात है, आप तो ऐसे शर्मा रहे हैं और तैयार हो रहे हैं जैसे किसी सल्तनत के शहजादे। तो और क्या, मैं शहजादा और तुम शहजादे और हमारी अपनी सल्तनत। छत तो है नहीं अपनी, सल्तनत कहां से आएगी? क्या हुआ अगर अपनी सल्तनत नहीं है, तुम किसी और की सल्तनत भी तो छीन सकते। मैं समझी नहीं, क्या मतलब? सब कुछ हमारी मुट्ठी में है सायका बेगम, ये घर, ये कारोबार, इस सब पर अब हमारी हुकूमत होगी। ये घर अब हमारा है। क्या क्या बोल रहे हैं, ये सब हमारा कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? अरे समझो, हो गया। वो कागजात जिसकी धूम मची है ना घर में, वो अब मेरे पास है। क्या आपके पास कैसे आए? बहुत आसानी से, मासी को मैंने कुछ पैसे दिए, उसने हबीब के कमरे से वो कागजात चुराया और मुझे ला दी। मैं बता रही हूँ, आप आग से खेल रहे, इसमें हमारे हाथ तो जलेंगे, सारे रिश्ते भी खत्म हो जाएंगे। रिश्ते? कौन से रिश्तों की बात कर रही हो तुम? वो रिश्ते जो जहीर भाई के जाते ही आपस में कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ रहे हैं। बहन भाई के खिलाफ, बेटी बाप के खिलाफ, ये सब अपने आप ही बिखर जाएंगे। और इससे पहले कि ये बेवकूफ लोग ये दौलत और कारोबार सब अपने साथ डुबो दें, हमें कुछ करना होगा सायका बेगम। वो तो ठीक है, लेकिन सब सही नहीं हो रहा। अपने रिश्तों को लेकर शायद तुम अंधी हो गई हो, लेकिन मैं नहीं हुआ। यहां तुम्हें ना कोई हिस्सा मिलेगा और ना ही हक। मैं इस इंतजार में सारी जिंदगी आ नहीं मरने वाला। सही हो या फना। तुम्हें मेरा साथ देना होगा।